हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम माधवी सिंह। आज हम बनाने जा रहे हैं कोकोनट विद चॉकलेट बर्फी। सबसे पहले मैंने इसमें थोड़ा देसी घी डाला है, क्योंकि हमें घी वगैरह डालने की ज़रूरत है नहीं है, क्योंकि कोकोनट में अपने ही एक ऑयल होता है, तो इसको हम थोड़ा भून लेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने उसमें उसी पैन के अंदर मैंने ये मैंने 8 कप है ये मैंने इसमें कोकोनट को जो मैंने तोड़ कर अच्छे से, जो मेरा पानी वाला कोकोनट था मैंने तोड़ के उसको अच्छे से मैंने कद्दूकस कर लिया, और बहुत महीन वाली जगह से, ताकि हमारे बर्फी बहुत अच्छे से जमे। और इसको मैं लगातार चलाती रहूँगी, जहाँ हमने रोक दिया इसका कलर नहीं चेंज होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने 1 कप दूध लिया है, और मैं 1 कप दूध में आप ये देख रहे हैं मेरे पास है वाइट चॉकलेट है ये मेरे पास, तो ये मैं इसमें डाल दूंगी। डार्क चॉकलेट मेरे पास नहीं थी, तो उसकी कमी पूरी करने के लिए तो मैंने इसके अंदर डाला है 1/2 चम्मच कॉफ़ी पाउडर डालूंगी, और मैं 1 चम्मच इसके अंदर डाल दूंगी मेरा कोको पाउडर, ताकि मुझे कलर ब्राउन मिल जाए। और 1 कप मैं इसमें डालूंगी मिल्क पाउडर, और मीठा तो आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो, अगर आप ज़्यादा पीना है कितना आपको चाहिए। मीठा आप अपनी मर्जी से डाल सकते हो, अगर आपको कितना टेस्ट चाहिए है, ज़्यादा लेते हैं तो आप 8 कप है तो मैं इसके अंदर 2 कप लूँगी बस, इससे ज़्यादा मैं नहीं लूँगी। और मैं आपको पता है जो ब्राउन वाली जो मेरी होती है खांड में वो यूज़ करती हूँ। तो चलो अब इसको पकाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये ध्यान रखना कि इसको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, तो मैंने बस अभी थोड़ा सा इसको सबको मेल्ट कर लिया। जो मेरी चॉकलेट थी वो मेल्ट हो चुकी है, और मिल्क पाउडर भी मेरा अच्छे से मिक्स हो चुका है इसके अंदर, ये सब चीज़ें मिक्स हो गई। तो अब हम इसमें शिफ्ट करेंगे अपने कोकोनट में। तो फ्रेंड्स, मैंने अपनी ट्रे को ग्रीसिंग कर लिया है। अगर आपके पास ट्रे नहीं है, थाली में भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो, मैंने तो बटर पेपर लगा दिया। आप अगर ना लगाना चाहें तो मत लगाइए, बस नीचे अच्छे से ऑयल या घी अच्छे से लगा लेना। मैंने अभी थोड़ा थोड़ा ड्राई फ्रूट खाया, क्योंकि मैंने भूना था, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी, मुझसे रहा नहीं गया। मैंने फटाफट से खा लिए थोड़े मखाने और भून लिए उसमें, तो मेरे मुँह में बड़ा अच्छा फ्लेवर आ रहा है मखाने वखाने का। चलो अब आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने अपना सारा जो मेरा जो भी गीला मटीरियल था मैंने सब इसके अंदर डाल दिया, जिसके अंदर डाल के चला रही हूँ। जब तक ही चलाऊँगी जब तक ये अच्छे से एकदम ठीक ना हो जाए। वन हैंड है इसमें, प्रॉब्लम हो रही है बहुत ज़्यादा, तो मैं चलाती हूँ, दिखाती हूँ आपको चला के। तो फ्रेंड्स, इसका पता क्या हिसाब है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, इसका ये है, इसलिए चलाते रहना पड़ता है। मेरा तो एक्चुअली काफ़ी ही मीडियम से भी कम है, तो मेरा आराम से इजीली मैं इसको कर लेती हूँ, संभाल लेती हूँ। और जैसे कि अगर आपका फ्लेम बहुत तेज़ है, क्योंकि मेरे पास ये 5 बर्नर है, 5 में से ये मेरा सबसे कम चलने वाला है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, अधिकतर मैं इसी को यूज़ करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप ये देख रहे हैं, ये देखो मैं ऐसे करके से पानी दिख रहा है ना आपको मॉइस्चर, ये प्लेस ये भी प्रिपेयर नहीं हुआ, बना नहीं है, तो हम जब तक करेंगे तब तक ये इस तरीके से हमारा ये मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा, जब तक हम इसको पकाते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, जब तक ये हो रहा है, जब तक क्या करते हैं भाई, मैं आपको गाना सुनाती हूँ, ठीक है। कोई बता दे दिल है कहाँ, क्यों होता है दर्द वहाँ, तीर चला के ये तो न पूछो दिल है कहाँ और दर्द कहाँ। क्यों, पुराने गाने वैसे बड़े अच्छे अच्छे लगते हैं गाने से गाने में। अभी हो रहा है 15 मिनट लग ही जाएंगे इससे, 10 से 15 मिनट। वैसे पूरा प्रोसीजर तो ये 30 मिनट्स का है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें हैं वो सब आपको ऐड करनी पड़ती हैं। तो अब ये हो रहा है, तो फ्रेंड्स ये बन चुका है, इट इज़ ऑलमोस्ट डन। तो अब मैं इसको शिफ्ट कर दूँगी फटाफट से अपनी ट्रे में। अगर आपको ऐसा लगे कि कलर कम है, तो आप ये जो मैंने 1 चम्मच लिया है ये कॉफ़ी पाउडर और चॉकलेट पाउडर, तो आप इसको डबल भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये मेरा लग चुका है ट्रे में, तो ऊपर से मैं डाल देती हूँ इसमें ड्राई फ्रूट्स। उसके बाद में फिर इसको अच्छे से थोड़ा सा दबा दूंगी। अब ड्राई, बस सच बताऊँ ना, मुझे कोकोनट पसंद नहीं है, वैसे बर्फी पसंद नहीं है, कोकोनट की चटनी वगैरह ये पसंद है मुझे, मैं उसको वैसे भी खास ना पसंद करती हूँ, बट मुझे इसका कुछ भी स्वीट्स वगैरह में मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कोकोनट। तो चलो हम इसको रख देते हैं ठंडा होने के लिए। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारी बर्फी बन चुकी है,
मैंने इसमें टक मार दिया थोड़ा सा, तो ये जब गर्म थी तभी मैंने इसमें हल्के हल्का टक लगा दिया था ताकि हमको इजीली हम इसको निकाल सकें। तो फ्रेंड्स हमारी बर्फी बनके तैयार है, चलिए अब इसको खा लेते हैं। और आप भूल गए शायद कि मेरे को तो मीठा पसंद ही नहीं आती है बर्फी, क्योंकि इसकी कोकोनट की है। तो ये देखो अब बन चुकी है। और अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए। फिर मिलूंगी किसी वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, फिर से प्यार करना। बाय, हरे कृष्णा।